सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मृणाल घोष को और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे इनकम टैक्स में लॉगिन ना करके ही हम कैसे इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR का स्टेटस पता कर सकते। तो ITR का स्टेटस पता करने से हमको पता चल जाता है कि ITR प्रोसेस हुआ है कि नहीं, अगर रिफंड रहेगा तो रिफंड मेरा अकाउंट पर आया है कि नहीं, ये सब कुछ मेरे को बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाता है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल करने उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी अवेलेबल हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप उधर जाके मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो कर सकते। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र का गूगल पे जाना पड़ेगा। हम गूगल पे चला जाएंगे, गूगल पे जाके हम लिख देंगे ई फाइलिंग। तो ई फाइलिंग लिखने से पहला वाला जो वेबसाइट का लिंक आ जाएगा इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in का, तो उसमें हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। उसमें क्लिक करने से इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसका पहला वाला जो पेज होता है वो इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक नोटिस रहेगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने से ई फाइलिंग इंडिया का जो वेबसाइट होता है वो इधर आ जाएगा। देखिए दिखा रहा है, ये रहा ई फाइलिंग का वेबसाइट। तो इसमें लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो मेरे को दिखेगा ITR स्टेटस। तो ITR स्टेटस में हम क्लिक कर देंगे। तो उसमें क्लिक करने से एक नया पेज इधर खुल जाएगा। इधर सबसे ऊपर में मेरे को दिखेगा ओनली ई फाइल्ड ITR स्टेटस इज़ अवेलेबल, जो ITR ई फाइलिंग हुआ है वही सिर्फ दिखेगा। तो इधर ये देखने के लिए मेरे को सबसे पहले पैन नंबर डालना पड़ेगा, उसके नीचे एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट करना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरा ITR जो ITR 5 होता है जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसमें रहता है। तो ये सब हम डाल देंगे, पैन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, कैप्चा, ये सब डालने के बाद नीचे जो सबमिट ऑप्शन दिखा रहा है वो सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट में क्लिक करने से मेरे को ITR स्टेटस दिखेगा। इधर दिखा रहा है रिटर्न प्रोसेस्ड, रिफंड डिटरमाइंड एंड सेंड टू रिफंड बैंकर, यानी मेरा ITR जो होता है इनकम टैक्स रिटर्न वो प्रोसेस्ड हो गया है और मेरा जो रिफंड था वो मेरा बैंक पे सेंड किया हुआ है। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीका से ITR स्टेटस देख सकते यानी चेक कर सकते लॉगिन ना करके ही। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।